आपको याद होगा वो हिजबुल्ला जो हमास के समर्थन ने इसराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया करता था, उसी हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी गई है। न बम का इस्तेमाल हुआ है, न फाइटर जेट्स आसमान में लहरे हैं, लेकिन युद्ध के एक नए स्टाइल से यहां इसराइल ने, मोसाद ने बड़ा जवाब दे दिया हिजबुल्ला को। पेजर अटैक हुआ है और ऐसा अटैक हुआ है कि हिजबुल्ला के लड़ाके खड़े खड़े निकल लिए। कैसे ये अटैक हुआ ये आपको आज हम विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो गूंज है ये हिजबुल्ला के जो चीफ है नसरुल्ला जो आप देख रहे हैं उनके कानों में गूंज रही है। ये ऐसा अटैक है जो सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये युद्ध का बिल्कुल नया स्टाइल है जो मोसाद ने अपनाया है और सबको हैरत में डाल दिया है, अचंभित कर दिया है, क्योंकि कोई ये सोच नहीं सकता था कि इस तरह का अटैक हो जाएगा। जरा तस्वीर देखिए, आप समझेंगे जब आप तस्वीर देखेंगे। देखिए शॉपिंग करने ये हिजबुल्ला का लड़ाका है जो पहुंचा है, इसको पता नहीं और अचानक बीप साउंड होती है। 3:45 का करीब ये वीडियो है। देखिए जब बीप साउंड होती है तो कैसे ये इससे पहले कि कुछ कर पाता अचानक धमाका हो जाता है। दिखा रहे हैं आप, देखिए जरा क्लोजली इस वीडियो को देखिएगा और देखिए अटैक होते ही ये ढेर हो जाता है, ये भागता है, ये महिला भागने लगती है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे ये अटैक्स हो रहे हैं। पेजर अटैक जो हुआ है वो किसी के सोच से परे, ये देखिए सब्जी खरीदने ये हिजबुल्ला का लड़ाका पहुंचा और अचानक ढेर हो गया, इसको समझ ही नहीं आया हुआ क्या। दरअसल पेजर ब्लास्ट कर गया और ऐसा ब्लास्ट हुआ कि वो वहीं ढेर हो गया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने के लिए काफी है कि ना बम फटा ना मिसाइल चली, लेकिन अटैक ऐसा हुआ कि तबाही हर तरफ देखी जा रही है। हिजबुल्ला के लड़ाकों को जान गंवानी पड़ी है इस अटैक में। बीपर बम वाला टेरर ऐसा फैला है, देखिए एक बार तो देखा आपने, बीपर बम वाला अटैक हुआ है, क्योंकि बीप बीप की साउंड हुई, कुछ देर तक साउंड हुई और उसके बाद धमाका हो गया। कुछ ऐसी तस्वीर जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं, सब्जी खरीदने गया था वो लड़ाका लेकिन सब्जी खरीदने से पहले ही निकल गया। लेबनन में एक साथ देखिए 5,000 पेजर्स जो हैं ब्लास्ट हुए, फट गए। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसकी तैयारी कितनी लंबी कितनी पुरानी होगी। बीप के बाद ये पेजर बम ब्लास्ट होने लगे, कोई सोच नहीं पाया। पेजर तो ये कॉन्टैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और ऐसे में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इन लड़ाकों की सोच से परे था, ये समझ से परे था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोच है जो इसराइल की है। पेजर ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई है और जो घायल हुए हैं हिजबुल्ला के 7 लड़ाके ढेर हुए हैं। घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, 9 की जो जान गई उसमें से 7 लड़ाके हैं। करीब 2800 से ज्यादा लोग इस पेजर अटैक में, इस बीपर बम वाले टेरर अटैक में घायल हो गए। जो अटैक हुआ है उससे स्तब्ध है यहाँ पर नसरुल्ला भी, और यही वजह है कि अब जो लेबनन के अस्पताल हैं वो घायलों से भरे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे लड़ाके जो हायर किए हुए हैं हिजबुल्ला ने उनके पेजर पर ये बीप बजा और धमाका हो गया। पेजर ब्लास्ट को साइबर अटैक माना जा रहा है कि साइबर अटैक के जरिए ये इतनी बड़ी घटना जो सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं दहशत में अब हिजबुल्ला के लड़ाके। हिजबुल्ला ने इसराइल को इसका जिम्मेदार बताया है। इसराइल ने हालांकि अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पेजर ब्लास्ट के पीछे ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये मोसाद का हाथ है, क्योंकि मोसाद ने, इसराइल ने चुपके से अपना काम कर दिया, स्मार्टली अपना काम कर दिया है और अब नसरुल्ला के जो लड़ाके हैं उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। आप समझिए, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के इसराइल ने बता दिया है, मोसाद ने बता दिया है कि आतंक का अगर साथ दोगे, हमास का अगर साथ दोगे तो अंजाम क्या होगा ये देख लो, क्योंकि जो सोचता है हिजबुल्ला या हमास उससे ज्यादा आगे है इसराइल का मोसाद, और उसने फिर से बता दिया है कि हमसे आगे नहीं जा पाओगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। और बड़ी तबाही की तस्वीर लेबनन से अब सामने आ गई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल जब से हमास को रौंद रहा है तभी से हिजबुल्ला बार बार उसे आंखें दिखा रहा है, कभी रॉकेट अटैक किया तो कभी मिसाइल के जरिए इजराइल को डराने की कोशिश की गई। हमास
हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठन इसराइल से अपने हथियारों के दम पर टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 17 सितंबर को इसराइल ने अपनी सबसे बड़ी अटैक पावर का प्रदर्शन किया। दुश्मन को भनक भी नहीं लगी और लेबनान और सीरिया में चीख पुकार मच गई। जिस टेक्नोलॉजी को हिजबुल्ला ने अपनी ताकत बना रखा था, इसराइल ने उसी ताकत में सेंधमारी की। लेबनान और सीरिया के अलग अलग इलाकों में एक साथ धमाके शुरू हो गए। शॉपिंग मॉल में बिलिंग काउंटर पर स्कूटर चलाते हुए कार ड्राइव करते समय एक धमाका और इंसान छटपटाते हुए जमीन पर। लेबनान और सीरिया में ऐसे धमाके 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 5,000 हुए और इन धमाकों में अब तक 9 लोग मारे गए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक साथ 2800 लोगों को उनकी जेब में रखे छोटे से पेजर ने घायल कर दिया। जिस पेजर को हिजबुल्ला कम्युनिकेशन का सुरक्षित साधन मान रहा था, उसी पर सेंधमारी हो गई। जिस पेजर का इस्तेमाल दुनिया में लगभग खत्म हो चुका था, उसे हिजबुल्ला भारी मात्रा में ताइवान जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहा था। अपने लड़ाकों के नेटवर्क को खुफिया बनाए रखने के लिए हिजबुल्ला ने मोबाइल छोड़ पेजर को अपनाया था, लेकिन वही पेजर आज इसराइल के लिए हथियार बन गया और इस हथियार ने कुछ ही मिनटों में लेबनान के अस्पतालों की शक्ल बदल दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी की एक आंख खराब हो गई। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए तेहरान ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो पेजर फटने से पहले लगभग 10 सेकंड तक बीप करता रहा। लोगों ने पेजर देखने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला, ब्लास्ट हो गया। किसी के हाथ के परखच्चे उड़ गए तो किसी का पूरा पैर ही खून से सन गया। बिना किसी सैन्य कार्रवाई के इसराइल ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को बता दिया है कि उसके सैनिक जितने खूंखार हैं, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है उसका तकनीकी नेटवर्क, जिसके दम पर वो कभी भी कहीं भी हमले का मादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसराइल हिजबुल्ला की सोच से आगे, और यही वजह है कि टेक्निकली ऐसा क्रैक किया है वहां के नेटवर्क को, ऐसे ब्लास्ट करवाए कि हिजबुल्ला सोच भी नहीं सकता है। कम्युनिकेशन के लिए दरअसल पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। क्या ये इस्तेमाल आत्मघाती बन गया हिजबुल्ला के लिए, ये बताते हैं आपको, जानकारी देते हैं। आतंकी संगठन हिजबुल्ला इसराइल का दुश्मन बना हुआ है और पहले से भी दुश्मन था, और हमास के साथ जब से युद्ध चल रहा है तब से और बड़ी भूमिका में आने की कोशिश की हिजबुल्ला ने। हिजबुल्ला अपनी सैन्य रणनीति को सीक्रेट रखता है और हिजबुल्ला को लगता है, नसरल्ला जो इनका चीफ है, उसे लगता है कि मोबाइल का इस्तेमाल किया गया तो सारी जानकारियां पहुंच जाएंगी, और ऐसे में इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है, मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। दक्षिणी लेबनान में मोबाइल फोन पूरी तरह से बैन है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद है, और दक्षिणी लेबनान में ही हिजबुल्ला का गढ़ है, और यहां पर जो लड़ाके हैं वो पेजर, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ सीमित मैसेज भेजे जा सकते थे, उसी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ महीने पहले ताइवान से देखिए ये 5,000 पेजर मंगाए गए थे। सूत्रों की माने तो इन्हीं नए पेजर्स में ये धमाका हुआ है या अटैक हुआ है।